हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलियन ब्रेक्स। मैं अभी बहुत ही शानदार लेविश बड़े काफ़ी बड़े बहुत ही बड़े फ्लैट में आया हूँ। सोसाइटी का नाम है अविग्ना द पार्क, लोकेटेड इन लोअर परेल ईस्ट मुंबई। तो मैं दिखाता हूँ, ये है फॉर एरिया। अभी हम फ्लैट के अंदर एंटर कर चुके हैं। आ जाओ, आपको फ्लैट दिखाता हूँ मैं। इस फ्लैट की बेस्ट पार्ट ये कि बहुत ही ब्राइट है, जितने भी फ्लोरिंग है मार्बल्ड है। अभी आप देख सकते हैं, जिससे बेडरूम नंबर वन, एंट्री के साथ साथ ही हम बेडरूम नंबर वन की तरफ एंटर हो जाते हैं और वार्डरोब यहाँ बने हुए हैं। ये जो बालकनी है, जो आप इसमें ग्लास देख रहे हैं, पूरा फसाद ग्लास, इसका मैं आपको बहुत ही शानदार व्यू देने वाला हूँ, बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं, वॉल टू वॉल वार्डरोब बना हुआ है एंड दिस इज अटैच्ड वॉशरूम। So I repeat, this is a 4 BHK apartment. Built up area of this apartment is 4000 and carpet area of this flat is 2700 square feet. So ये बहुत ही बड़ा किचन आ जाता है। आप देख सकते हैं, चिमनी लगा हुआ है, ऊपर तक पूरा वार्डरोब्स काम हो रखा है। इधर भी आप देख सकते हैं, पूरा वार्डरोब्स का वॉल टू वॉल वर्क हो रखा है। ये जो एरिया है हमारा, ये आ जाता है सर्वेंट रूम की तरफ। आप देख सकते हैं, सर्वेंट के लिए अलग से डेडिकेटली वॉशरूम दिया हुआ है। सर्वेंट रूम इज देयर। अभी जो इससे पहले इसमें टेनेंट थे, इन्होंने इसको एज अ वर्क स्टेशन बनाया हुआ था, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम वापस आ जाते हैं किचन की तरफ। टू रिमाइंड यू, यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर आ जाता है, बड़े बड़े डबल साइज का। आप देख सकते हैं, ये फॉर एरिया है जहाँ से हमने एंट्री की थी। राइट हैंड साइड में बेडरूम नंबर वन था विद अटैच्ड वॉशरूम, और ये हमारा आ जाता है इसमें पाउडर वॉशरूम, पाउडर रूम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ जाते हैं बहुत ही बड़े, आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा लेविश और फुली फर्निश्ड लिविंग एंड डाइनिंग एरिया की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डाइनिंग एरिया, आप देख सकते हैं। अभी तो थोड़ा अंधेरा है, रात है, आपको व्यू नहीं देख पाएगा, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइनिंग आ जाता है। क्रॉकरी और सामान रखने के लिए पूरे कैबिनेट्स यहाँ पे बने हुए हैं। दिस फ्लैट इज अवेलेबल फॉर रेंट एंड सेल बोथ, एंड दिस इज अ लिविंग रूम एरिया। टीवी पैनल इज देयर, देख सकते हैं, सोफा सेट है यहाँ पे। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ फर्निश अपार्टमेंट अपार्ट फ्रॉम टीवी एंड रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन, सारा सामान इस फ्लैट के अंदर है। ये फ्लैट रेंट एंड सेल दोनों के लिए है। अभी हम आ जाते हैं बेडरूम नंबर सेकंड की तरफ। आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो फर्निश्ड, ओपन टू द सिटी, सिटी की तरफ इसका व्यू जाता है। पूरा लाविश लग्जरी फ्लैट है। टीवी पैनल के लिए माउंट इन्होंने बनाया हुआ है, बट टीवी नहीं है इसमें, जैसा कि मैंने बताया था। एंड दिस इज अ वेरी बिग वॉशरूम नंबर सेकंड, आप देख सकते हैं। मैं आपको वॉशरूम बाथरूम तीन दिखा चुका हूँ, बट इसको मैं सेकंड इसको काउंट कर रहा हूँ, बिकॉज दैट वॉज अ पाउडर वॉशरूम। तो अभी आप देख सकते हैं, ये है हमारा मास्टर बेडरूम, बेडरूम नंबर थर्ड। ये बहुत ही बड़ा बेडरूम है विद बेड, टीवी पैनल, आप देख सकते हैं, वर्क स्टेशन के लिए पूरा आपको बना रखा है। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आप देख सकते हैं कि वॉकिंग वार्डरोब्स बनी हुई है। डबल सिंक के साथ वॉशरूम है, क्योंकि मास्टर बेडरूम में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से वॉशरूम को बनाया हुआ है। शावर ग्लास लगा हुआ है, डबल सिंक है, एंड दिस इज अ कंप्लीट फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट। अब मैं आपको बहुत बढ़िया चीज दिखाने जा रहा हूँ, सुकून वाली चीज दिखाने जा रहा हूँ, मजे वाली चीज दिखाने जा रहा हूँ, आ जाओ। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं माफी चाहूंगा, मैं अंधेरे में शूट कर रहा हूँ, बट ये बहुत ही बड़ा टेरेस है जहाँ मैं खड़ा हूँ। अगर आपको दिख पाए तो आप जरूर ध्यान से इसको देखिएगा। ये बहुत ही बड़ा टेरेस है और आप देख सकते हैं, ये है मुंबई, मेरी और आपकी जान। तो कैसी लगी मुंबई? मुंबई का ट्रैफिक आप देख सकते हैं, आप शाम को यहाँ बैठेंगे, बिलीव मी, बहुत अच्छी हवा है, बहुत ठंडी हवा है, और आप इंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे स्काई स्क्रैपर्स, मुंबई के बेस्ट व्यू है, बहुत ही अच्छा व्यू है। अगेन आई रिपीट, दिस फ्लैट इज अवेलेबल फॉर रेंट, लीज और सेल बोथ। आ जाओ, मैं आपको बेस्ट पार्ट दिखाता हूँ। ये जो अभी हमने देखा है टेरेस, ये भी कुछ नहीं है। हाँ जी, आइए मैं दिखाता हूँ। सो दिस वॉज बेडरूम नंबर थ्री, मास्टर बेडरूम था ये। अभी हम चलते हैं बेडरूम नंबर फोर की तरफ। सो अगेन, जैसा कि मैं आपको सारा फ्लैट दिखा रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो अ फुली फर्निश्ड बेडरूम। दिस इज बेडरूम नंबर फोर विद बेड, वार्डरोब्स वॉल टू वॉल, और देख सकते हैं इसी के साथ ही वॉकिंग वार्डरोब क्लोजर्स यहीं पे हैं, एंड अटैच्ड वॉशरूम। दिस इज ऑल्सो विद अटैच्ड वॉशरूम। तो हमारे फ्लैट के अंदर चार बेडरूम है, चार वॉशरूम आ जाते हैं, और एक आपको दिखाया था पाउडर वॉशरूम। सो फ्रेंड, बेस्ट पार्ट आपको फ्लैट का दिखाने जा रहा हूँ, आ जाओ, मेरे को बहुत पसंद है, होप सो आपको जरूर पसंद आएगा। सो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा और विशाल टेरेस। कैसा लगा आपको टेरेस? और आपको दिखाता हूँ एक बात, वहां पे आपने स्काई स्क्रैपर्स देखे थे, स्काई स्क्रैपर्स तो यहाँ भी कम नहीं है। अंधेरा है, माफी चाहूंगा, नहीं दिखा पाऊंगा, बट वो सामने आप देख सकते हैं, सारा अरेबियन सी है।
सो देखते ही इसका व्यू एंड माहौल बनता है। इस सी की मेरे पास फोटो है फ्लैट से, उस फोटो को मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अगर डाउनलोड होके जा सके तो कोशिश करिएगा उसका व्यू लेने का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं छोटा सा पूल है आपके टेरेस में, सो बैठ सकते हैं सॉर्ट ऑफ एंजॉय कर सकते हैं आप इसको। और ये देख सकते हैं कि बहुत ही ह्यूज टेरेस है, और बेस्ट पार्ट क्या है, यही टेरेस आपके लिविंग एंड डाइनिंग एरिया को कनेक्ट करता है, और जब ये कनेक्ट कर जाता है तो ये फ्लैट दिल को भी कनेक्ट कर जाता है, जैसे कि मेरे दिल को छुआ है। आप बिलीव मानेंगे मैंने बहुत बड़े बड़े फ्लैट शूट किए हैं, बहुत बड़े बड़े हाउसेस शूट किए हैं, लेकिन जो यहाँ पे मुझे व्यू आया, जो मजा आ रहा है, मुझे कहीं नहीं आया, क्योंकि जो मैं फील कर पा रहा हूँ इस फ्लैट में खड़े होके, शायद आप आएंगे जरूर कर पाएंगे। क्या हवा है और क्या क्या समा बनता है इस फ्लैट आने के बाद। ये थी सोसाइटी अविग्ना दी पार्क इन लोअर परेल ईस्ट। बने रहेगा मेरे साथ। दिस फ्लैट इज अवेलेबल फॉर रेंट एंड सेल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका रेंट और रेट डाल दूंगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मनन सेठी। भी बने रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोस लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच, दुआ सलाम और प्यार आप लोग। थैंक यू सो मच।